प्रथम तहलका न्यूज। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। तो वहीं कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता कर ईडी पर सोनिया गांधी की सेहत से खिलवाड़ करने के भी आरोप लगाए गए हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ईडी सोनिया गांधी के साथ कोऑपरेट कर रही है और सोनिया गांधी को भी ईडी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जिस प्रकार का सत्याग्रह के नाम पर देश में तमाशा किया जा रहा है, सत्याग्रह महात्मा गांधी करते थे। महात्मा गांधी ने कभी भी चोरी ठगी के नाम पर सत्याग्रह नहीं किया, उन्होंने हमेशा सच की आवाज के लिए सत्याग्रह किया। अगर सोनिया गांधी सच्ची है तो चुपचाप अकेली जाए और ईडी के प्रश्नों का उत्तर दे। ईडी पूरी तरह से सोनिया गांधी को कोऑपरेट कर रही है और सोनिया गांधी को भी ईडी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ये जिस प्रकार का तमाशा देश में हो रहा है, ये जो सत्याग्रह किया जा रहा है, सत्याग्रह महात्मा गांधी किया करते थे और महात्मा गांधी ने कभी भी चोरी और ठगी के लिए सत्याग्रह नहीं किया, सच की आवाज़ के लिए सत्याग्रह किया। अगर सोनिया गांधी ठीक हैं, सच्ची हैं, तो चुपचाप अकेली जाए और ईडी को उनके प्रश्नों के उत्तर दे। वहीं ईडी की कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के मंत्रियों से मिल रहे खजाने को लेकर भी मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये तो ममता बनर्जी के ढोल की पोल खुल रही है कि कैसे वो भर्तियां करते थे, कैसे माइनिंग करते थे, कैसे दूसरे काम करते थे, ये तो उस पर से पर्दा उठ रहा है। ये तो ममता बनर्जी की ढोल की पोल खुल रही कि उनकी कार्य पद्धति क्या है, कैसे वो भर्तियां करते हैं, कैसे माइनिंग करते हैं, कैसे दूसरे काम करते हैं, ये तो उसका ऊपर से पर्दा उठ रहा है। देश भर में बढ़ रहे मॉन्की पॉक्स के मामलों को लेकर भी मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से सारे स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई है, सारे स्टाफ को दवाइयां भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एक केस हरियाणा में भी आया है, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आया। हरियाणा के सोनीपत में भी एक मामला सामने आया, केरला कर ऐसे जो डॉक्टर प्रोफेसर हैं वो आए थे, उन्होंने खुद कुछ दिन खुद को आइसोलेट रखा और अब मंकी बॉक्स है। क्या कुछ इंतज़ाम हरियाणा सरकार द्वारा किए गए हैं? हमने पूरी तरह से सारे स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई है, सारे स्टाफ को पूरी दवाइयां दी हैं और ये आप ही बता रहे हो कि पहला केस हरियाणा में हुआ है, अभी तक तो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।